तो इस स्टेज पे पहुंचने के बाद, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा स्टेज पे पहुंचने के बाद ज्ञान में वो स्थित हो जाता है। और फिर जब वो एक्टिविटी करता है, क्योंकि ज्ञान में स्थित हो गया, फिर जब वो एक्टिविटी करेगा, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा, उसको भक्ति योगा बोलते हैं। और ये भक्ति योगा टेक्स्ट 55 से नो कृष्णा, इसलिए बात यहाँ पर ही अटक नहीं जाती है, यहाँ पर ही रुक नहीं जाती है कि वो ज्ञान में स्थित हो गया और रियलाइज कर लिया उसने सब, तो सब चीज स्टॉप हो गई। नहीं, आगे भी प्रोसेस है, कुछ आगे भी रास्ता है, ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, आगे और रास्ता है जो कृष्णा 55 श्लोक से लेके पूरा एंड तक एक्सप्लेन करते हैं, और भक्ति योगा प्रोसेस को ग्लोरीफाई करते हैं ग्रेजुअली। तो कर्म योग एक्सप्लेन कर लिया, ज्ञान योग एक्सप्लेन कर लिया, और भक्ति योग कृष्णा एक्सप्लेन करेंगे। तो पढ़ते हैं टेक्स्ट 55। नंबर श्लोक में कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे कौन समझ सकता है, हु कैन अंडरस्टैंड मी। तो ये बोलते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति यावन्यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम्। बोल रहे हैं भक्त्या माम अभी जानाति, भक्त लोग ही मुझे अभी जानाति मतलब समझ सकते हैं। भक्त्या शुद्ध भक्ति से, शुद्ध भक्त के माध्यम से ही मुझे समझा जा सकता है। यावन यश चास्मि तत्वता, तत्व से मुझे समझा जा सकता है केवल भक्ति के द्वारा। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, और फिर जब वो मुझे समझ जाता है, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, पूरी तरह से तत्व में जब वो मुझे समझ जाता है, तो क्या होता है, विशते तद अनंतरम, वैकुंठ जगत में, मेरे धाम में वो प्रवेश करता है तदनंतरम। तो किस तरह से भगवान को हम समझ सकते हैं, तो ये पूरा बताते हैं। जब वो वर्क करता है, रिजल्ट से अटैच होता है, थोड़ा प्रोग्रेस करता है तो रिजल्ट से डिटैच होके वर्क करता है, थोड़ा प्रोग्रेस करता है तो रिजल्ट को कृष्णा को ऑफर करता है, थोड़ा प्रोग्रेस करता है तो फिर उसके अंदर डिटैचमेंट और रिनंसिएशन और नॉलेज और मैच्योरिटी, ये सब आ जाती है, तो ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। फिर और प्रोग्रेस करता है तो वो उस ज्ञान को अप्लाई करता है और भक्ति योगा प्रोसेस में लगता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बट आगे कृष्णा बोलेंगे ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है, सर्वधर्मान परित्याज, ऐसा बोलते हैं, सीधा ये फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूँ, सभी धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ और भक्ति योगा प्रैक्टिस करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अल्टीमेट कंक्लूजन ये है। इतना सारा कृष्णा ने प्रोसेस बताया, इतना सारा प्रोसेस बताया, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये करो वो करो, एंड में कंक्लूड करके यही बोलते कि ये सबको हमें छोड़ देना, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो सर्वधर्मान परित्याज, सभी प्रोसेस को भूल जाओ और मैं जो बोल रहा हूँ मेरे शरण में आओ। तो भक्ति योगा इज द बेसिक थीम ऑफ भगवद गीता। वहां पे यही चीज बोल रहे हैं कि मुझे समझा, मेरी भक्ति करनी है तो पहले मुझे समझना पड़ेगा। तो जन्म कर्मच में दिव्यम एवं योगेति तत्वता, फोर्थ चैप्टर में भी कृष्णा ये बोलते हैं 4.9 में। तो जब तक मुझे कोई समझ नहीं सकता तब तक वो मेरे धाम में वापस नहीं। तो यहाँ पे प्रपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उसे सदा छिपा रहेगा। If anyone wants to understand Krishna, he has to take pure devotional service under guidance of pure devotee. शुद्ध भक्ति के गाइडेंस में रह के ही करना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा सत्य उसके लिए जो है छिपा रहेगा।
ये एक सीक्रेट है जो कृष्णा रिवेल कर रहे हैं इसके अंदर कि ओनली बाय माय प्योर डिवोशनल सर्विस। इससे पहले वाले श्लोक में जब कृष्णा बोलते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति कांक्षति, तो उसको भी वो स्टेज पे भी हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, प्रोसेस से गुजरना नहीं, डायरेक्ट पहुंच सकते। कैसे? कृष्ण प्रभुपाद परपोर्ट में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। तो ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा जो स्टेज है जिसपे हम कोई शोक या मोह नहीं करते हैं और भगवान पर ब्रह्म को रियलाइज करते हैं, अभी तक कृष्णा रियलाइजेशन नहीं हुआ, ब्रह्म रियलाइजेशन हुआ, वो स्टेज पे पहुंचने के बाद भक्ति एक्चुअली स्टार्ट होती है। और वो स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है कि भगवान के विषय में श्रवण करता है। तो जैसे ही वो भगवान के विषय में श्रवण करता है तो क्या होता है उसके साथ, देखते हैं कि जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कलमश यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। विलोप मतलब पूरा फ्री हो जाता है उस चीजों से, जो जो भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती है त्यो त्यो वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। तो जब तक हमारे हृदय में ये काम क्रोध लोभ, ये तीन चीजें बेसिक रजोगुण तमोगुण जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक हम भगवान की पोजीशन को नहीं समझ पाएंगे। हम हमेशा फिर बेविल्डर हो जाएंगे कि मैंने इतनी भक्ति की, इतनी प्रार्थना की, भगवान क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हमारे अंदर इतने सारे भौतिक कलमश है, उसको हमने वर्कआउट नहीं किया सिंसियरली, तब तक कृष्णा हमारी प्रेयर्स नहीं सुनेंगे। सरेंडर होएंगे तभी हम, सरेंडर होने का अर्थ है कि जब सबसे पहले हम जब भगवान के विषय में जितना अधिक विनम्रता पूर्वक श्रवण करेंगे उतना जल्दी से हमारा हृदय में जितने भी अनर्थास हैं वो सारे दूर होंगे। और जब वो अनर्थास क्लियर होंगे वैसे वैसे भगवान की स्थिति को अनुभव कर पाएंगे, भगवान रियलाइजेशन तक हम पहुंच पाएंगे। ये पॉइंट है भक्तिया माम अभिजाने, केवल शुद्ध भक्ति से मुझे समझा जा सकता है। शुद्ध भक्ति का पहला स्टेप है श्रवण करना, भगवान के विषय में सुनना। तो इसलिए हम रेगुलरली सभी डिवोटीज को स्ट्रेस करते हैं कि आप हियरिंग कीजिए, लेक्चर सुनिए भक्तों के, शुद्ध भक्तों के मुख से जब तक सुनेंगे नहीं तब तक प्योरिफिकेशन नहीं होगा। इसलिए हियरिंग करना, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी से ही हमारा प्योरिफिकेशन होगा। तो 57, 50, 55 में ये बताते हैं और 56 में कृष्णा बोलते हैं कि एक्चुअली 55 नंबर श्लोक में यहाँ पे भगवान बोलते हैं, अगर आप देखेंगे कि भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में हो जाए तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता, राइट। तो वैकुंठ जगत में प्रवेश करने की कंटिन्यूएशन श्रृंखला में भगवान 56 नंबर श्लोक बोलते हैं कि सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाण मत व्यपाश्रया मत प्रसादा अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। कहते हैं अभी के जो सारे श्लोकाज हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकाज है, सारे क्रीम श्लोकाज है भगवद गीता के, मतलब प्योर डिवोशन सर्विस कृष्णा डिस्क्राइब करते हैं। बोलते हैं कि मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो बोलते हैं कि भले मेरा शुद्ध भक्त चाहे
समस्त प्रकार के कार्यों में एंगेज हो, बट मेरी कृपा और मेरी प्रोटेक्शन संरक्षण के वजह से वो मेरे नित्य ध्यान को प्राप्त करता है। यहाँ पे ये शब्द मेरी कृपा इंपॉर्टेंट है। मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदाम गति, मेरी कृपा से वो शाश्वत परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो परपोर्ट पूरा छोटा है पर बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद ने, जिसमें ये बताते हैं कि भौतिक कलमश से रहित होने के लिए अगर हमें हमारे हृदय में जितने भी अनवांटेड मटेरियल डिजायर्स है उसको अगर दूर करना है तो क्या करना है, रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देश में कर्म करता है। तो जो डिवोटी होता है हमेशा भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त यानी कि गुरु उनके गाइडेंस में रह के वो कार्य करता है। ये क्रक्स है। अगर हमको प्योरीफाई होना है फटाफट भक्ति के अंदर हमेशा किसी शुद्ध भक्त के गाइडेंस में रहकर हमें एक्ट करना होता है। तो जब तक इसका एक्चुअली ये शब्द निकलता है कि जो भगवान बोल रहे हैं मेरी कृपा, तो इस कृपा का अर्थ है उस भक्त को कृपा मिली है वो कैसे समझेंगे कि वो उसको कोई एक भक्त मिला है जिसके गाइडेंस में रहकर वो भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, भक्ति योगा प्रैक्टिस मीन्स उस जीव को वो कृपा मिल गई। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, कोई गाइड नहीं है आपको जो भक्ति में गाइड कर सके, ऐसा व्यक्ति नहीं है, मीन्स अभी तक आपको कृष्णा की कृपा नहीं मिली है, ये पॉइंट है। सो देयर इज नो टाइम लिमिटेशन फॉर अ प्योर डिवोटी, ही इज ऑलवेज 24 आवर्स अ डे 100% एंगेज्ड इन द एक्टिविटीज अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। टू अ डिवोटी हु इज थस एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस लॉर्ड इज वेरी वेरी काइंड। जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगता है भगवान उसके लिए बहुत कृपालु हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज ही इज इवेंचुअली प्लेस्ड इन ट्रांसेंडेंटल अबोड ऑफ कृष्णा लोक। ही इज गारंटेड एंट्रेंस देयर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इन दैट सुप्रीम अबोड देयर इज नो चेंज, एवरीथिंग इज इटर्नल इम्पेरिशेबल एंड फुल ऑफ नॉलेज। तो वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततो गत्वा दिव्य ध्यान में कृष्णा लोक को प्राप्त करता है। तो ये एक्चुअली कृष्णा की मर्सी है, क्योंकि अर्जुन के माइंड में ये कंफ्यूजन आता है कि आपके भक्त जो है वो कैसे आपके धाम में डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली अर्जुन को ये लॉजिक समझ में नहीं आया कृष्णा का, क्योंकि अर्जुन ये आर्ग्यूमेंट करता है कि ज्ञानी जो होता है इतने इतने कोटि कोटि जन्म लेने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद, इतनी कठिन परिश्रम करने के बाद उसको आपका दर्शन प्राप्त होता है, तो ऐसा कैसा है कि भक्त जो होता है उसके पास ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है ना, उसने इतना कुछ त्यागा होता है, तो आपके अबोर्ड को कैसे वो प्राप्त करेगा, ये लॉजिक क्या है, ऐसा अर्जुन पूछते हैं। कृष्णा बोलते हैं कि ये जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक बियॉन्ड लॉजिक है, मेरी कृपा। इसलिए कृष्णा इस श्लोक में यूज करते हैं मेरी कृपा से बाय माय मर्सी, क्योंकि उनकी कृपा जो है अचिंत्य है, इट इज हैज इनकंसीवेबल पावर। और इसलिए अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, 57 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि सभी कार्यों में जो मेरा भक्त होता है ना, सभी कार्यों में मुझ पर डिपेंड रहता है और मेरे प्रोटेक्शन में रह के वो कार्य करता है। इस तरह से हमेशा मेरी चेतना में वो स्थित रहता है और मैं उसका पूरा टेक केयर करता हूँ। 57 नंबर श्लोक में कृष्णा ये बोलते हैं। बोलते हैं चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यास मत परा बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत चित्त सततम भव। तो चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यास,
तो कृष्णा बोलते हैं चेतसा सर्वकर्माणि, कि उसकी चेतना जो है कैसी रहती है कि सर्वकर्माणि मई संन्यास, कि सभी कर्मों को जो है ना वो गिव अप कर देता है। सर्वकर्माणि मई संन्यास और मुझ पे डिपेंड रहता है, सारे कर्मों को वो त्यागता है और मुझ पे डिपेंड रहता है। किसके लिए त्यागता है? मेरे लिए त्यागता है। मई संन्यास मत पर मुझ पे डिपेंड रहता है। और बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग यानी कि भक्ति योग प्रोसेस की वो शेल्टर रहता है। मत चित्त हमेशा मेरा स्मरण करता रहता है, सततम मीन्स हमेशा। बोल रहे हैं कृष्णा कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, अगेन सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरी प्रति पूर्णतया सचेत रहो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो, मेरी तरह मतलब बिकम फुल्ली कॉन्शियस ऑफ मी। तो यहाँ पे कृष्णा इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मतलब कृष्णा ये लॉजिक देते हैं अर्जुन को कि वो कैसे मेरे धाम पे पहुंचते हैं। बोलते हैं कि ऐसे भक्त जो होते हैं ना सभी कार्यों पे मेरे पे डिपेंड रहते हैं, कि वो इंडिपेंडेंट माइंडसेट से नहीं चलते हैं। जैसे एक सर्वेंट होता है वो उसके पास इंडिपेंडेंस नहीं होती है, जैसा उसका मालिक बोलता है वैसे वो कार्य करता है, अपने मास्टर के बिहाफ पे वो कार्य करता है और प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट और लॉस की चिंता नहीं करता है। सो यही इंस्ट्रक्शन कृष्णा अर्जुन को दे रहे हैं। तो प्रभुपाद एक पॉइंट लिखते हैं परपोर्ट में अच्छा, कि अब कोई ये तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्णा के व्यक्तिगत निर्देश अनुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्णा उपस्थित ना हो तो किस तरह कार्य करें। अभी कृष्णा तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट दे रहे हैं अर्जुन को, तो अभी कोई ये पूछ सकता है कि अभी कृष्णा नहीं है हमारे आसपास तो किस तरह से कार्य करें। बता दें श्रील प्रभुपाद की यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। अगर वो ये बुक में जो कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस दिए उसको फॉलो करता है और कृष्ण के प्रतिनिधि मतलब कृष्ण डिवोटी के गाइडेंस पर रहकर कार्य करता है तो उसको सेम वैसा रिजल्ट मिलेगा जैसे अर्जुन को मिला। तो इस श्लोक में मत परा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए, कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन वो आता है, यही पूर्ण कृष्ण भावना। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद कितना प्रैक्टिकल हमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि सभी कर्मों पे कृष्ण पे कैसे डिपेंड रहे। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि कोई भी हम कार्य करें कृष्ण के लिए करें और क्या सोच के करें कि कृष्ण ने मुझे ये विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। I am appointed to discharge this particular duty by Krishna. तो इस ये चिंतन करते अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो naturally हमारे मन में कृष्ण का चिंतन हुआ और यही पूरा complete Krishna consciousness है। This is the perfect Krishna consciousness. तो हर समय Krishna पे depend रहे, जैसा कि मैंने example दिया कि servant जो होता है वो अपने master के behalf पे act करता है बिना कंसिडर किए प्रॉफिट और लॉस के, फेम और इनफेम के, है ना। उसको खुद को कितना फेम मिलेगा, खुद को कितना बेनिफिट मिलेगा, वो कैलकुलेटिव माइंड नहीं चलाता है। कृष्णा ने ऑर्डर किया मीन्स आई हैव टू डू, कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया मीन्स आई हैव टू डू, सिंपल। ज्यादा एक्चुअली हमारा माइंड सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स बना देता है, बहुत डिफिकल्ट बना देता है, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेटिव करता है कि
इसमें मुझे कितना फायदा होगा, मुझे कितना लाभ होगा, मेरा टाइम कितना इसमें बचेगा और मैं इसको कैसे स्किप कर सकूँ, कम टाइम में कैसे कर लूँ, ये सब चीजें। ये जो माइंड जो है ऐसे कैलकुलेटिव करता रहता है, और इसलिए भक्ति जो एकदम सिंपल है उसको हमारा माइंड जो है बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है। सिंपल है कि कृष्णा पे डिपेंड रहो, जो सर्वेंट होता है वो क्या करता है, हमेशा कृष्णा पे डिपेंड रहता है, अपने मास्टर पे डिपेंड रहता है और वैसा वो कार्य करता है। बट यहाँ पे एक वार्निंग देते हैं श्रील प्रभुपाद, तो वो वार्निंग में आगे परपोट में कृष्णा कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने रेड लाइन में इसको हाईलाइट किया है कि किंतु ये ध्यान रहे कि मन मना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी कार्य करूंगा फल कृष्णा को दे दूंगा। ये विम्सिकल बिहेवियर से हमें बचना चाहिए, है ना। इसलिए डिवोटी के गाइडेंस में रहना आवश्यक है। तो हर कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कर्म करूंगा और उसका जो भी फल होगा कृष्णा को ऑफर कर दूंगा, ऐसा नहीं। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेश अनुसार ही कर्म करे, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्णा का ये आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है, अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देश अनुसार कार्य करता है तो कृष्णा भावनामय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। इसलिए विम्सिकल बिहेवियर, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी हम कृष्णा को प्राप्त नहीं कर सकते। या आप लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, ना राइट साइड जाके आप लेफ्ट के डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच सकते, लेफ्ट साइड जाके आप राइट के डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच सकते। उसी तरह या कृष्णा को प्राप्त कर पाओगे आप, या अपने इंडिपेंडेंट मेंटालिटी या विम्सिकल बिहेवियर से माया को प्राप्त करोगे आप। तो इंडिपेंडेंट मेंटालिटी और कृष्णा दोनों अपोजिट है। इंडिपेंडेंट मेंटालिटी से आप कृष्णा को प्रसन्न नहीं कर सकते। कृष्णा को प्रसन्न करना है तो इंडिपेंडेंट मेंटालिटी हमें छोड़नी पड़ेगी। मीन्स गुरु और कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली हमें कोई भी सेवा करनी है, हर एक एक सर्विस, हर एक एक कार्य हमें उनके इंस्ट्रक्शंस के आदेश अनुसार करना चाहिए। सो ऐसे डिवोटी के गाइडेंस में जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसने रियलाइज्ड किया है चीजों को, जो काफी समय से है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, तो वहां से हमें गुरु परंपरा की कृपा मिलती है। तो इसमें आगे फिर अर्जुन बोलते हैं कि ये जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, मुझे लगता है थोड़ा जेनेरिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, पर मुझे क्या करना है अभी, क्या मैं शुद्ध भक्ति करूं या फिर कर्म मिश्र भक्ति करूं। कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को कि आप शुद्ध भक्ति करने के क्वालिफाइड नहीं हो अभी, बट एट द सेम टाइम आपको शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मध्यम भक्त बनने का प्रयास करो। तो कृष्णा बोलते हैं कि आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी से उसको करो, मुझे अर्पित ऑफर करो, मुझे गोल बना के रिजल्ट्स मुझे ऑफर करो, और बिना कोई अहंकार के या ये सोच के कि मैं करता हूँ, ये भाव हटा दो। तुम्हारे मन में हमेशा मेरा ही चिंतन करते हुए सारे कार्य करने हैं, मुझे ही रिमेम्बर करते हुए सारे करने हैं, मेरी शरण लो और इस तरह से एक्ट करो ना। अपने खुद के कार्य बना के कार्य करते रहो और मेरी शरण लो, ऐसा नहीं। सरेंडर योर कॉन्शियसनेस एज यू परफॉर्म द एक्टिविटी, ऐसा कि कॉन्शियसनेस मेरे, मुझे कॉन्शियसनेस में रख के तुम्हें सारे कार्य करने, कृष्ण ये बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कार्य कर लिया फिर मेरे कॉन्शियसनेस में आए, फिर मुझे याद किया, नहीं। कार्य शुरू करने से पहला मेरा स्मरण करो, कार्य करते करते मेरा स्मरण करो, और कार्य करने के बाद भी मेरा स्मरण करो।
इस तरह से तुम अपने जीवन के सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर दोगे। ये पॉइंट 58 नंबर श्लोक में बोलते हैं। टेक्स्ट 58, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारं श्रोष्यसि विनक्षसि। बोल रहे मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। मत चित्त मतलब मुझ में अगर मन लगाओगे अर्जुन तो क्या होगा, सर्व दुर्गाणी जितने भी ऑब्स्टेकल्स है तुम्हारे, मत प्रसादात मेरी कृपा से तरिष्यसि उन सारे ऑब्स्टिकल्स को तुम क्लियर कर दोगे। पर मुझमें चिंतन करते करते कार्य करोगे, पर अगर तुम अथ चेत तुम अहंकारं, पर अगर तुम अहंकार के वश में आके कार्य करोगे तो क्या होगा, न श्रेयोष्यसि विनक्षसि। तो और तुम अगर मेरा नहीं सुनोगे और अहंकार में आके कार्य करोगे तो विनक्षसि हो जाएगा, तुम नष्ट हो जाओगे, विनष्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे अर्जुन कृष्णा जो है अर्जुन को एक प्रकार से वार्निंग दे रहे हैं। मान लो ऐसे अर्जुन ऐसे बोल रहे हैं कि ये बात सही है आपकी कि मैं क्षत्रिय हूं और मेरा स्वभाव है युद्ध करना, पर अगर मैं युद्ध करूंगा और रिलेटिव्स को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो इसलिए मुझे अभी युद्ध नहीं लड़ना। इसलिए फिर कृष्णा को थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं कि इतना मैं गीता उसको समझा रहा हूँ, इतने मैंने 17 अध्याय बोल दिए फिर भी यही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो कृष्णा को मान लो बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो ये श्लोक बोलते हैं कि अगर तुम अहंकार वश में आके कार्य करोगे, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा नहीं करोगे तो तुम्हारा विनष्ट हो जाएगा। लोग कृष्णा बोलते हैं लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, People will criticize you, क्योंकि तुमने युद्ध नहीं किया और तुम्हारा स्वभाव है युद्ध लड़ना क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तो अगर तुम मेरी सरेंडर नहीं करोगे तो भी तुम्हें युद्ध तो लड़ोगे क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि मेरी सरेंडर होने के बाद नहीं होने के बाद अगर तुम युद्ध लड़ोगे तब मैं हंसूंगा तुम्हारे को, क्योंकि तुम क्योंकि क्या होगा अगर मेरे सरेंडर हुए बिना तुम अगर युद्ध लड़ोगे तो मेरी माया तुम्हारे सामने रजोगुण के फॉर्म में आएगी और तुमको इंड्यूस करेगी कि यू हैव टू फाइट, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव है, दिस इज योर नेचर, तुम क्षत्रिय हो, ये तुम संस्कार लेके आए हो, बाय फोर्स यू हैव टू एक्ट, तो इसलिए बेटर तुम मुझे सरेंडर होके युद्ध लड़ो। तो एक्चुअली कृष्णा ये भी बोल रहे थे अर्जुन को कि तुम अपने ये जो युद्ध वाले जो स्किल्स है तुम्हारे पास, जो फाइटिंग स्किल्स है, उससे युद्ध मत जीतो तुम, बट तुम भक्ति वाले मूड से इस युद्ध को जीतो। इसमें बोलते हैं कि कृष्णा डजंट रिक्वायर अर्जुनास मार्शल स्किल्स फॉर विक्ट्री, बट ही वांट्स अर्जुना टू एक्ट विद डिवोशन एज हिज इंस्ट्रूमेंट। अर्जुनास डिवोशन विल बी एक्सप्रेस्ड बाय फाइटिंग on the battlefield। तो इस तरह से कृष्णा बोल रहे हैं कि एवरी एक्टिविटी में जस्ट डिपेंड ऑन मी। परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में कर्म करता है भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 2400 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है वे उसको आत्मदान कर देते हैं। वो मतलब भगवान उसके डिवोटेड हो जाते हैं। तो कोई भी बद्ध जीव ये सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्णा भावना भावित होकर कर्म अंतर से रखता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है।
एक्चुअली बद्ध जीवात्मा जो होती है, हम जैसे जो बद्ध जीवात्मा है, हमें एक्चुअली में पता नहीं रहता है क्या सही है क्या सही नहीं है, हमें नहीं पता है। पर जो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है वो फ्री, उसको पूरी फ्रीडम मिली है, उसको जो करना हो कर सकता है, क्योंकि उसको इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहे हैं वर्क करने का, गुरु से और कृष्णा से जो उसके हृदय में परमात्मा के फॉर्म में है। इन दोनों के इंस्पिरेशन से उसको कोई भी कार्य करने का एक पर्टिकुलर इंस्पिरेशन मिलता है, इसलिए ही इज फ्री टू एक्ट एनीवे। बट जो बद्ध जीवात्मा है उसका मन और उसकी भौतिक इच्छाएं उसको प्रेरित करती है कोई भी कार्य करने के लिए। बट कृष्णा भावना व्यक्ति जो है उसको प्रेरित कहाँ, उसको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कृष्णा से और गुरु से, ये डिफरेंस है। तो कृष्णा इसी श्लोक जैसे मैं बताया, कृष्णा बोलते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो विनष्ट होने का मतलब क्या है, 59 नंबर श्लोक में कृष्णा बोलते हैं, यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। जैसे कृष्णा बोलते हैं कि अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा, जैसे मैंने बताया कि अर्जुन अगर अभी युद्ध नहीं लड़ेगा तो बाद में उसको कोई दूसरे फॉर्म में अलग तरीके से युद्ध लड़ना पड़ेगा, मतलब युद्ध तो करना ही पड़ेगा, उसको फाइटिंग स्पिरिट वो गिव अप नहीं कर सकता। तो कृष्णा ये फाइटिंग स्पिरिट को डाउटेल करना चाहते हैं अपने सर्विस में, और कृष्णा को अर्जुन को इंस्पायर करते हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो इसलिए कृष्णा एक्चुअली ये श्लोक थोड़ा डांट के बोल रहे थे अर्जुन को, ना चेस्टाइजिंग मूड में बोल रहे थे कि अभी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, बट लेटर बिकॉज यू आर अ ग्रेट हीरो योर नेचुरल ईगरनेस टू फाइट विल अनअवॉइडेबली मैनिफेस्ट इटसेल्फ, देन व्हेन यू सेट आउट टू किल भीष्म एंड अदर्स ऑन योर ओन अकॉर्ड आई विल लाफ एट यू। और तुम अपने मन इच्छा से कार्य करोगे तो वो तुम्हारे लिए डेंजरस है। तो चाहे अर्जुन कृष्णा को सरेंडर करे या नहीं करे, फाइट करनी है, वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए कृष्णा बार बार चैप्टर के एंड में अर्जुन को पुश करते हैं फाइट 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 फाइट, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि अर्जुन इस फाइट को भक्ति योगा में कन्वर्ट करे मेरे इंस्ट्रक्शंस के आधार पर फाइट करके। अगर मेरे इंस्ट्रक्शंस के आधार पे वो फाइट नहीं करता है तो वो भक्ति योगा नहीं है, ये पॉइंट है ना। तो अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे, लेकिन मिथ्या अहंकार वश वह डर रहा था कि अपने गुरु पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वह भूल गया कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही बद्ध जीव की विस्मृति है। एक्चुअली कंडीशन सोल क्या है, प्रॉब्लम क्या है बद्ध जीव आत्मा के साथ, हम जैसे जीवात्मा के साथ, कि हम भुलक्कड़ जीव है, वी आर वेरी फॉरगेटफुलनेस। कृष्णा सामने है, क्लियर कट बोल रहे हैं कि युद्ध लड़ो, बट हम चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कि नहीं इससे ये होगा उससे होगा। कृष्णा जो बोल रहे हैं वो करना है सिंपल, दैट इज द टॉप मोस्ट मोरालिटी। अपना कैलकुलेटिव माइंड लगाना, हमारी फ्री विल को अकॉर्डिंगली एक्सप्रेस करना इंडिपेंडेंटली, वो जीवात्मा के लिए एक डेंजर जोन है और उसमें वो बहुत डीपली इंटेंगल्ड हो जाता है। तो इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं यहाँ पे कि जस्ट सरेंडर अनटू मी, कंटिन्यू अपना ये कृष्णा
अर्जुन को एक बोल रहे हैं कि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवश्योऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। मतलब जो कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं वो अर्जुन एनी हाउ करने ही वाला है, बट अपने विंसिकल बिहेवियर, अपने विंसिकल इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी से करेगा वो। कृष्णा ये वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसा मत करो। तो कृष्णा ये भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब ये आचार्य की कमेंट्रीज में पढ़ रहा था तो उसमें बता रहे थे कि कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं अगर तुम अपने आप को बड़ा स्कॉलर मानते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सबके हृदय में परमात्मा है। ब्रह्मा जी से लेके एक चींटी तक जितने भी जीव हैं सबके हृदय में परमात्मा है, और वो परमात्मा ही सभी जीव को गाइड करते हैं, परमात्मा ही सभी जीव को अपने कर्मों के आधार पर रिजल्ट्स देते हैं। हर जीव को अपने कर्म के आधार पर माया द्वारा बनाया गया एक शरीर मिलता है, और वही आत्मा हर शरीर के अंदर प्रवेश करती है और भगवान उसको घुमाते रहते हैं अलग अलग योनियों में। वो एक कठपुतली की तरह एक्ट करता है और भगवान के हाथों। इसलिए अर्जुन तुम क्या करो, तुम्हारे हृदय में भी जो परमात्मा है उसकी सरेंडर करो, क्योंकि वो कंट्रोलर है, रियल कंट्रोलर है, उसे तुम्हें गाइड करने को, उनकी कृपा से तुम शांति और सुख का अनुभव कर पाओगे, उस परमात्मा की शरण कर लो। ऐसा इंस्ट्रक्शन कृष्णा देते हैं अर्जुन को। नेक्स्ट 61 श्लोक से लेके 63 नंबर श्लोक तक कुछ इस प्रकार से बोलते हैं। सो इसलिए यहाँ पे 61 नंबर में कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को कि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येषु अर्जुन तिष्ठति राम्यम सर्वभूतानि यंत्ररूढानि मायया। बहुत फेमस श्लोक है, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। प्रभुपाद ने इसके ऊपर बहुत बहुत सारे परपोर्ट्स दिए। तो टेक्स्ट 54, टेक्स्ट 54 में वो श्लोक है ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति आकांक्षति। वो भी बहुत फेमस श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्रह्मन रियलाइजेशन के लिए श्लोक बोला कृष्णा। अब परमात्मा रियलाइजेशन के लिए कृष्णा बोल रहे हैं टेक्स्ट 61 में कि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येषु, मतलब ईश्वर मतलब भगवान जो है सभी जीवों के हृदय में तिष्ठति रहते हैं। अर्जुन को बोल रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येषु अर्जुन तिष्ठति, और हृदय में बैठ के क्या करते हैं, भ्राम्यम सर्वभूतानि, सभी जीवों को वो भ्रमण कराते हैं एक योनि से दूसरी। भ्राम्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, यंत्र मतलब एक मशीन। तो ये शरीर जो है मशीन की तरह, एक यंत्र की तरह है, और यंत्र में इस यंत्र के अंदर अलग अलग यंत्रों में जाके वो घुमाते हैं, यंत्र रूढ़ानि माया, इस यंत्र में बैठ के सबको गाइड करते हैं। तो हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र के यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि अभी तुम इस परमात्मा पे फोकस करो, तुम्हें अगर तुम बहुत अपने आप को स्कॉलर मान रहे हो तो जस्ट फोकस ऑन दिस परमात्मा, और इस परमात्मा को सरेंडर करो। तो ये नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहे हैं कृष्णा अर्जुन को। पहला कॉन्फिडेंशियल नॉलेज 54 नंबर में दिया था कि कोई कुछ किसी बात का शोक मत करो, किसी का मुंह मत करो। अब नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहे हैं कि अभी परमात्मा पे फोकस करो। तो परपोर्ट में कृष्ण प्रभुपाद
एक्सप्लेन करते हैं कि सभी जीव जो है अपने कर्मों के आधार पर उनको ये शरीर मिलता है, और परमात्मा जो है उसको गाइड करते हैं, और परमात्मा जो है उसके विटनेस बनते हैं, अनु उपदृष्टा अनुमंता उसको विटनेस करते हैं और उसकी एक्टिविटीज को सैंक्शन करते हैं। फिटनेस मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या क्या एक्टिविटीज करने वाला है, सबके वो साक्षी होते हैं और हर एक एक कार्य को वो सेंक्शन करते हैं, फिर ही वो जीव कर सकता है। तो जैसे ही जीव को किसी पर्टिकुलर बॉडी में डाला जाता है तो वो अपने आप उस वो जीव अपने आप को उस बॉडी से आइडेंटिफाई करता है, और वो बॉडी से आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता रहता है, करता रहता है। और परमात्मा क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या कर रहा है वो, फिटनेस बनते हैं और जो जो वो इच्छा करता है उसको पूरी करने का वो प्रयास करते हैं, परमात्मा सैंक्शन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद इस परपोट में लिखते हैं लास्ट में कि मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान से स्वतंत्र है, चाहे आप सरेंडर हो या नहीं हो, हमेशा हमारे ऊपर एक कंट्रोल रहेगा भगवान का। व्यक्ति तो सदैव भगवान का नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो, और अगले श्लोक का यही आदेश है। तो ये पहले कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को परमात्मा के विषय में बताते हैं और अब उसको सरेंडर होने के लिए बोलते हैं परमात्मा को, इसलिए बोलते हैं तमेव शरणम गच्छ, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात परां शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो बोल रहे हैं तमेव शरणम गच्छ, तुम अभी उस सुपर सोल को सरेंडर हो जाओ, सर्वभावेन भारत, पूरी भावना के साथ विद फुल रिस्पेक्ट, हे भारत, इस तरह से भरत वंशी इसको सरेंडर हो जाओ। तत्प्रसादात पराम शांति, तो उनकी कृपा जब होगी तत्प्रसादात, तो तुम परम शांति को प्राप्त करोगे, और स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, किस स्थान को प्राप्त करोगे, स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, सुप्रीम इटर्नल अबोड को तुम प्राप्त करोगे। हे भारत, सब प्रकार से उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे परमात्मा को सरेंडर करने का बोल रहे कृष्णा ना, तो इसलिए कृष्णा बोल रहे तम एव शरणम, आगे और कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देंगे। इसलिए नेक्स्ट ये 62 में तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू रिलीफ ऑल द मिजरीज एंड अचीव सुप्रीम अबोड, सरेंडर अन टू द सुप्रीम गॉडहेड सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। तो इसलिए कृष्णा यहाँ पे तीन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सुप्रीम लॉर्ड इज द मास्टर एंड डायरेक्टर, सॉरी प्रभुपाद अपने परपोट में तीन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान जो है सुप्रीम मास्टर है और डायरेक्टर है सभी के, इसलिए उसको सरेंडर होना चाहिए हमें फुल्ली, और उनकी कृपा जब होगी तब हम शांति और उनके परम धाम को प्राप्त कर पाएंगे। तीन चीज में बताते हैं, और फिर 63 श्लोक में अर्जुन को फिर समझाते हैं कि इति ते ज्ञानम आख्यातम भूयाद भूयतरम मया विमृश्यै तत् अश्नेन यथेच्छसि तथा कुरु। बोल रहे हैं कि इति ते ज्ञानम आख्यातम, मैंने तुम्हें अभी समझा दिया ज्ञान, भूयाद भूयतरम, ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, भूया और भूयतरम। तो भूया नॉलेज मतलब जो सीक्रेट नॉलेज है, वो सीक्रेट नॉलेज सबसे पहला सीक्रेट नॉलेज
संस्कृत में कैसा है, भूय को सीक्रेट नॉलेज बोलते हैं, भूयतम को मोर सीक्रेट नॉलेज बोलते हैं, और भूयतमम को मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। भूय मतलब कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, भूयतरम मतलब मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और भूयतमम मीन्स मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो यहाँ पे भूय और भूयतरम दो मतलब कॉन्फिडेंशियल और मोर कॉन्फिडेंशियल का नॉलेज दिया है। भूयतमम अभी तक कृष्णा ने बोला नहीं है नॉलेज। भूयतमम क्या है, भूयतमम नॉलेज क्या है, माम एकम शरणम व्रजामि, है ना, सर्वधर्मान परिचर्या, माम एकम शरणम व्रजामि। भूयतरम नॉलेज क्या है, ये तम एव शरणम गच्छामि। सो भूयतरम नॉलेज मतलब परमात्मा का सरेंडर हो जाऊं, और भूयतमम जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है वो क्या है, माम एकम शरण, मेरी शरण में, कृष्णा बोल रहे हैं। सो इसलिए कृष्णा की शेल्टर लेना इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परमात्मा की शेल्टर लेना इज लिटल लेस कॉन्फिडेंशियल, और ब्राह्मण की शेल्टर लेना और लेस कॉन्फिडेंशियल। इसलिए 62 में बोलते हैं तम एव शरणम गच्छा, और 66 नंबर श्लोक में आगे बोलेंगे माम एकम शरणम। तो ये चीज है इसके अंदर। तो इसलिए अर्जुन को बोलते हैं कि ये 63 में कि इस प्रकार मैंने तुम्हें भूयतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। तो कृष्णा ने पूरा फ्री विल दे दिया अर्जुन को कि अभी तुमको जो मैंने तुम्हें सारा प्रोसेस समझा दिया है, सारे जितने भी कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, बुद्धि योग, भक्ति योग सब बता दिया, अब तुम उसको प्रोसेस करो, उसका मनन करो, उस पर कंटेम्पलेट करो, उस पर डेलिब्रेट करो, और फिर तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। इसलिए ये एटीट्यूड भगवान से हम इस श्लोक से भगवान हमें बताते हैं, समझाते हैं कि कृष्णा कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते कोई भी चीज करने के लिए। कृष्णा हमेशा एक जीव की इंडिपेंडेंस और उसके फ्री विल को हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, उस पे इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो कृष्णा इसलिए बोलते हैं कि अभी मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है, कर्म ज्ञान योग सब कुछ बता दिया है, सारा सीक्रेट नॉलेज सब बता दिया है, और ये भी बोलते हैं आचार्य कमेंट्रीज में लिखा है कि ये इतना सीक्रेट नॉलेज मैंने कोई ऋषि मुनियों को नहीं बताया अभी तक, ये इतना कॉन्फिडेंशियल है कि मैंने उनको भी ये नॉलेज नहीं दिया है, पर मैं तुम्हें तुमको मैंने ये सारा नॉलेज दे दिया है। तो क्योंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैंने इतना सारा नॉलेज दिया, अभी तुम इस पे मनन करो और फिर जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तो कृष्णा पूरा फ्री विल देते हैं सभी जीवों को, और परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं अच्छा पॉइंट लास्ट में कि शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है। कृष्णा फोर्स नहीं कर रहे, साहब लॉजिक आर्ग्यूमेंट देते हैं और उस पे हमें जितना चिंतन मनन करना हो कर सकते हैं, हमें पूरा इसका इंडिपेंडेंस मिला हुआ है, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यह सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्णा के प्रमाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो गुरु जो होते हैं वो कृष्णा के प्रतिनिधि होते हैं, और उनके इंस्ट्रक्शंस मतलब कृष्णा के थ्रू आए हुए इंस्ट्रक्शंस है, तो वो भी इंस्ट्रक्शंस जो गुरु हमें दे रहे हैं उस पर चिंतन मनन करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। सो अल्टीमेटली सारा डिसीजन में लेना है, कोई भी फोर्स कहीं से भी कृष्णा नहीं करते, इसलिए हमारा डिसीजन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक चीज के लिए एक जीव को अपना खुद का एक डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए लाइफ में कभी भी आप अटक रहे हैं, आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई मेजर चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, उसमें कोई डिसीजन लेना है, तो क्या देख के हमें डिसीजन लेना चाहिए, साधु और शास्त्र, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे डिवोटीज और हमारे स्क्रिप्चर्स, ये तीन को रेफर करके
हमें एनालाइज करना चाहिए कि क्या ये डिसीजन लेने से मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो वो डिसीजन से जाओ, अगर नहीं हो रहा है प्रोग्रेस तो वो डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए, उसको नो बोल देना चाहिए। तो ये एक मापदंड होना चाहिए हमारा, कोई भी चीज में हम डिसीजन ले रहे हैं गुरु साधु शास्त्र को कंसल्ट करें और डेलिब्रेट करें कि ये चीज ऑप्ट करके क्या मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, होगी नहीं होगी पूरा एनालाइज करके फिर हमें डिसीजन लेना चाहिए। सो सारा चीज हमारे डिसीजन पे ही डिपेंड है। कृष्णा आपको, जैसे अर्जुन को कृष्णा ने सारे अलग अलग प्रोसेस समझाए, कर्म योग, कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, भक्ति, अष्टांग भक्ति, अष्टांग योग, सब बता दिया। उससे क्या क्या होगा वो भी बता दिया, कर्म करने से क्या होगा, ज्ञान करने से क्या होगा, अष्टांग करने से क्या होगा, भक्ति करने, सारे प्रोसेस, उसके उस प्रोसेस करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, वो सब कुछ बता दिया। और फिर अर्जुन को बोला अभी तुम इसमें से देखो क्या बेस्ट लगता है, तुम चॉइस करो एंड गो अहेड। तो अर्जुन को इतना डेलिब्रेट, फिर क्या अर्जुन चिंतन करने लगा, कृष्णा ऑब्जर्व करने लगे, साइलेंस हो गया था पूरा सिचुएशन उस समय। सो अर्जुन डेलिब्रेट कर रहा था जो जो कृष्णा ने अर्जुन को उसे कहा था सब कुछ चिंतन कर रहा था। सो अर्जुन इतना चिंतन करते करते भगवान को एकदम दया आ गई अर्जुन को देख के, और उनका हृदय एक बटर की तरह, एक मक्खन की तरह मेल्ट हो गया, पिघल गया। और फिर वो दया में आके टेक्स्ट 64 कृष्णा बोलते हैं, 64 नंबर मतलब अगला श्लोक बोलते हैं, क्योंकि कृष्णा ने बोला मेरी इंस्ट्रक्शन अब पूरी हो गई है तो हम एंड करते हैं अर्जुन, तुम अभी डिसाइड करो क्या करना है। तो अर्जुन बेचारे इतने सोच में पड़ गए कि कृष्णा ने तो मेरे ऊपर ही सब छोड़ दिया, क्या करूं मैं, इतना सब बोला। तो कृष्णा फिर 64 बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं सर्व भूय तमम भूय श्रृणु मे परमम वच इष्टो असि मे दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। तो कृष्णा बोलते हैं सर्व भूय तमम भूय श्रृणु मे परमम वच, कि अब अर्जुन मैं तुम्हें मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता रहा हूँ, सुनो तुम, श्रृणु मे परम वच, मेरा सुप्रीम मोस्ट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मैं अभी तुमको देने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें नॉलेज, इष्टो असि मे दृढ़म इति, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, तुम्हारी ये हालत जो है अभी तुम इतना चिंतन मनन कर रहे हो, बहुत कंफ्यूज, मुझे बहुत दया आ रही है और तुम बहुत चिंता भी है तुम्हारे लिए, ततो वक्ष्यामि ते हितम, तुम्हारे बेनिफिट के लिए मैं अभी तुम्हें कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देता हूँ। बोलते हैं परपोर्ट में, सॉरी ट्रांसलेशन, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक भूय ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। तो यहाँ पे सारे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज प्रभुपाद जो है परपोर्ट में जस्ट समराइज करते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी जगह पर कृष्णा ने कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कहा था। तो ये जो कौन, तो यहाँ पे जो कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं अपना परम आदेश जो सर्वाधिक भूय ज्ञान है, तो वो सर्वाधिक परम आदेश भूय ज्ञान क्या है, जो फेमस श्लोक है भगवत गीता का, मन मना भवन मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु और सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणम, ये दो श्लोक जो है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, ये पूरा समरी है भगवत गीता का, द एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ भगवत गीता। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिखते हैं कि भगवत गीता के पहले 6 चैप्टर और लास्ट के 6 चैप्टर एक कवरिंग के समान है, और उसके अंदर एक ज्वेल बॉक्स होता है, उसका अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है, और उसके अंदर, और ज्वेल बॉक्स के अंदर एक ज्वेल होता है, हीरा मणि होता है,
तो ज्वेल बॉक्स का अपर पार्ट जो होता है वो पहले 6 चैप्टर है, उस ज्वेल बॉक्स का जो लोअर पार्ट है उस वो लास्ट 6 चैप्टर है, और उसके अंदर जो मणि है वो बीच के 6 चैप्टर है जो प्योर भक्ति के जो डिस्क्राइब करते हैं। तो वो मणि जिसके पास आ गया तो वो कृष्णा को कंट्रोल कर सकता है। और ये जो ज्वेल बॉक्स है ये अभी बंद है, इसकी चाबी है, इसकी चाबी जिस व्यक्ति के पास होगी वो इस चाबी से उस ज्वेल बॉक्स को खोल सकता है और उस मणि को ले सकता है। तो वो चाबी क्या है? टेक्स्ट नंबर 65 और टेक्स्ट नंबर 66। ऐसा विश्वनाथ चार्य तकरारी ठाकुर लिखते हैं कि 65 और 60 नंबर श्लोक जो है वो चाबी है जिससे हम वो ज्वेल बॉक्स खोल सकते हैं और वो भक्ति ज्वेल को ले सकते हैं, और जिसके पास वो ज्वेल आ जाता है वो कृष्णा को कंट्रोल कर सकता है। कृष्णा इजीली किसी के हाथों कंट्रोल होना पसंद नहीं करते, बट बहुत रेयर जीवों को वो अपनी भक्ति देते हैं। तो 65 नंबर श्लोक इसलिए कृष्णा बोलते हैं, टेक्स्ट 65 जो इसेंस है पूरे भगवत गीता का। तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अभी कृष्णा बताएंगे 64, 65 और 66 में। तो गुह्यतरा और गुह्यतमा ये तीन कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो कृष्णा बताते हैं। तो 65 श्लोक में बोलते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यं ते प्रतिजानो प्रियवसी में। तो चार चीजें कृष्णा इसके अंदर बताते हैं, मन्मना मुझ में मन लगाओ। कृष्णा एडवाइस करते हैं अर्जुन को कि जस्ट थिंक ऑफ मी, मन मना मतलब मुझ में मन बनाओ, भव मद भक्तो के मेरा भक्त बनो, बिकम माय डिवोटी। तो देखिए यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को ये नहीं बोल रहे कि कर्मी बनो या ज्ञानी बनो, भक्त बनो। तो ये श्लोक में कर्म ज्ञानी योगी तीनों उड़ा दिए कृष्णा ने, भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है। तो मन मना भव मद भक्तो, फिर मद याजी मेरी पूजा करो, मेरी वर्शिप करो। कैसे? अगरबत्ती दिया, फिर फूल, फिर अर्घ्य और चामर, मोर पंख, इन सबसे वर्शिप करो। मद याजी और फिर माम नमस्कुरु, मेरे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, दंडवत अष्टांग प्रणाम करो। चार चीज करने को बोलते हैं कृष्णा के, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। सो ये चार चीज करने से क्या होगा? माम एवश्यसी सत्यम पे। एक्चुअली चार चीज करने से नेक्स्ट श्लोक में आएगा, कृष्णा बोलते हैं कि अगर तुम ये चार चीज करोगे, माम एवश्यसी सत्यम पे, मैं सत्य बोल रहा हूं और कि तुम मेरे पास आओगे, प्रति जाने प्रियोसी में, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं, प्रति जाने प्रियोसी में। तो इस तरह से ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताते हैं अर्जुन को। परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्णा का प्योर डिवोटी बनना चाहिए और हमेशा उनका चिंतन करना चाहिए। डू नॉट बिकम ऑफिशियल मेडिटेटर, ऑफिशियली मतलब ऐसे ही जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हमें कृष्ण पे मेडिटेट नहीं करना चाहिए। वन शुड एक्ट इन सच अ वे दैट ऑल हिज डेली एक्टिविटीज आर इन कनेक्शन विद कृष्णा। दिनचर्या में जितने भी कार्य हम कर रहे हैं वो सब कृष्णा से कनेक्ट होने चाहिए। लिखते प्रभुपाद के ही शुड अरेंज हिज लाइफ इन सच अ वे दैट थ्रू आउट द 24 आवर्स ही कैनॉट बट थिंक ऑफ कृष्णा। इस तरह से अपने रूटीन को एडजस्ट करो कि 24 आवर्स अपने कार्यों के माध्यम से आप कृष्णा का स्मरण कर सको। एंड द लॉर्ड्स प्रॉमिस इज दैट एनीवन हु इज इन सच प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस विल सर्टनली रिटर्न टू एबोड ऑफ कृष्णा वेयर ही विल बी एंगेज इन एसोसिएशन ऑफ कृष्णा फेस टू फेस।
तो जब ये चार चीज हम करेंगे, अपने लाइफ को इस तरह से मोल्ड करेंगे, तब हम कृष्णा के धाम को प्राप्त करेंगे और कृष्णा को फेस टू फेस दर्शन कर पाएंगे. एंड दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. ये पॉइंट बोल रहे हैं. और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद परपोर्ट में बताते हैं कि हमें जो कृष्णा बोल रहे हैं ना, मन मना, तो कृष्णा का जो ये टू हैंडेड फॉर्म जो आप देख रहे हैं उसी पे चिंतन करना चाहिए. टू हैंडेड फॉर्म जो पिक ऑफ फेदर पहनाए हैं, हाथ में ब्यूटीफुल फ्लूट है और पीतांबरी है, ब्लू कलर के कृष्णा है, उस पे मेडिटेट करना चाहिए. वन शुड फिक्स हिज माइंड ऑन दिस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ गॉड हेड कृष्णा. और फिर आगे लिखते हैं कि और जो कृष्णा के अवतार है दूसरे, नारायण, विष्णु, वरा, वामन, राम, इस पे भी हमें मेडिटेट नहीं करना है, केवल इस फॉर्म पे मेडिटेट करना है जो अर्जुन के सामने जो कृष्णा करे खड़े थे. दैट वाज बट अ डिवोटी कॉन्सेंट्रेटेड हिज माइंड ऑन द फॉर्म दैट वाज प्रेजेंट. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन द फॉर्म ऑफ कृष्णा कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज एंड दिस इज डिस्क्लोज टू अर्जुना because Arjuna is most dear friend of Krishna. So, यहाँ पे इस श्लोक को अगर आप फिर से देखें तो कृष्णा यहाँ पे बोलते हैं माम एवश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में. सो ये सत्यम शब्द पे हमारे आचार्य कमेंट्री लिखते हैं कि अर्जुन जब ये श्लोक सुनता है तो बोलता है कि आप मथुरा वाले हर बात को सत्य सत्य बोलते हो, पर वो सिर्फ नाम के वास्ते ही सत्य सत्य होते हैं और ज्यादा कुछ उसमें दम नहीं होता है ऐसा. सो कृष्णा फिर इस आर्ग्यूमेंट को रिप्लाई करते हैं कि प्रियोसी में, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, तो मथुरा वाले जिनको प्रिय हो जाते हैं उनसे धोखा नहीं करते कभी, इसलिए फिर कृष्णा बोलते हैं प्रति जाने प्रियोसी में, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो इसलिए मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि तुम मेरे पास आओगे. एंड दिस इज ट्रूथ. तो ये कमेंट्री इसमें बताते हैं. तो इसलिए यहाँ पे कृष्णा हमको बोलते हैं कि हमें प्योर डिवोशनल सर्विस करनी चाहिए और कृष्णा में माइंड एब्जॉर्ब करना चाहिए, कृष्णा का डिवोटी बनना चाहिए, उनकी वर्शिप करनी चाहिए. तो क्वेश्चन आता है कि फिर क्या हम पूरा अपने हृदय को शुद्ध कर लें, पूरा डिटैचमेंट और ऑस्टेरिटीज और सारे तप करके और सारे वाउस लेके हम अपने आप अपने हृदय को शुद्ध करें फिर हम भक्ति प्रैक्टिस करें कि क्या मतलब. तो कृष्णा नेक्स्ट 66 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. तो कृष्णा बोल रहे हैं कि सर्वी धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ. सर्व धर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आओ. अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे पापों को मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए घबराओ मत. तो इसलिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने बहुत पाप किए हैं, जिसके हृदय में सब कचरा भरा है, वो ये जो चार चीजें जो 64 में कही कृष्णा ने उसको कैसे फुलफिल कर पाएगा. उसको एंकरेज करने के लिए कृष्णा ये श्लोक बोलते हैं कि सभी धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ. तो इसलिए कृष्णा पूरे गीता में ये नहीं बोलते हैं कि पाप को छोड़ दो. कृष्णा बोलते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा. सो कृष्णा ये पॉइंट हम सबको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो कि पूरे भगवद गीता का इसेंस है कि पाप को छोड़ने का प्रयास मत करो, राधर माम एकम शरणम भज, उस पे फोकस करो, वो तुम्हारी ड्यूटी है,
मेरी ड्यूटी है अहम त्वाम, कृष्णा बोल रहे हैं ना, इसलिए मेरी ड्यूटी अहम त्वाम सर्व पापे भी, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, और तुम्हें क्या करना है, माम एकम शरण, सभी धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आना है। तो उसके लिए फेथ होना चाहिए हमारे ऊपर। तो इसलिए चैप्टर 7, अगर आपके पास भगवद गीता है तो 7वां अध्याय और 28वां नंबर श्लोक खोलेंगे तो उसमें कृष्णा बोलते हैं कि 7.28 येषां त्वंतगत पापां जनानां पुण्यकर्मणा द्वंद्वते मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम। 7.28 येषां त्वंतगत पापां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, कि जो सारे पापों से मुक्त हो गया है वो मेरे भजन भक्ति में लग जाता है, और जो सारे पापों से मुक्त नहीं हुआ उसका क्या, तो वो 66 नंबर में बोलते हैं। सभी धर्मों को त्याग दो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त, नो प्रॉब्लम, चिंता मत करो, अगर तुम पापों से मुक्त नहीं हुए, बहुत सारे पाप किए, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ, बाकी सब काम मैं देख लूंगा। तो शरण में कैसे जाना चाहिए, प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं इसी श्लोका के 6 steps of surrender, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षयति विश्वास गुप्त ते वर्णम तथा। तो ये सारे 6 steps है सरेंडर के, जो हमने लास्ट पहले कुछ क्लास पहले हमने डिस्कस किए थे, तो वो चीज हमें फॉलो करनी है। कि अगर आप देखें, So, जब कृष्णा बोल रहे हैं सर्व धर्मान परित्याज है, तो उसका मतलब क्या कि कृष्णा ने अभी तक जितना भी ज्ञान और प्रोसेस जो अर्जुन को समझाया कि कर्म करो, ज्ञान करो, योग करो, जो भी, ये सब को छोड़ दो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इतना चिंतन, इतना सोच विचार मत करो अर्जुन, जस्ट वो सारे प्रोसेस को भूल जाओ, अभी इसको फॉलो करो, सरेंडर अनटू मी, ये चीज सर्व धर्मान परित्याज का मतलब ये। फिर माम एकम का मतलब कि सिर्फ मुझे सरेंडर करो, परमात्मा को भी नहीं, जो कृष्णा ने जब बोला था कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, परमात्मा पे को भी सरेंडर मत करो, ना किसी देवी देवता ब्रह्मा शिव उसको भी सरेंडर मत करो, माम एकम केवल मेरे को सरेंडर करो। तो सर्व धर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रज, मतलब जैसे मेरे व्रजवासी भक्तों ने सरेंडर किया था मुझे, उस भाव से सरेंडर हो जाओ, इसलिए व्रज शब्द यहाँ पे भगवान यूज करते हैं, जस्ट लाइक व्रजवासी डिवोटीज। तो तो चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कृष्णा ने पहले कहा था कि जो भी तुम खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, यत करोषि यत सस्नासि वाले श्लोक में 9.9 chapter में आते हैं कि तुम ये कर्म मिश्र भक्ति करो, पर यहाँ पे इस श्लोक में बोल रहे हैं कि मेरी स्पेशल कृपा अभी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जिससे तुम क्वालिफाइड हो जाओगे शुद्ध भक्ति करने के लिए। लिखते हैं कि I violated my own rule that unalloyed devotion may be obtained only when somehow or other one receives the mercy of my pure devotee, just as I will violate my own promise while fighting with Bhishma. So यहाँ पे मैंने बोला था कि शुद्ध भक्ति केवल शुद्ध भक्त के द्वारा ही मिलती है, पर मैं वो रूल को भी तोड़ रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से सारे मुक्त कर दूंगा, और फिर तुम ये 4 process फॉलो कर पाओगे, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवाम नमस्कुरु। तो ये ब्रजवासी जो है, जो वृंदावन डिवोटीज है, उनकी तरह सरेंडर कैसे हो सकते हैं, जो 6 principles जो प्रभुपाद परपोर्ट में बताते हैं उसको फॉलो करके। तो ये वो सारे 6 principles है, चार्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं, अनुकूल संकल्प, तो ये आप अपने फ्री टाइम में रिफर कर सकते हैं, इसको हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी पास्ट क्लासेस में
डिस्कस किया हुआ है। मा सूचा फिर बोलते हैं अहम त्वां माम एकम शरणम व्रजा। और मा सूचा मतलब कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं कि डरो मत। कोई व्यक्ति वो शायद कंफ्यूज हो सकता है कि ऐसे कैसे मैं सभी धर्म को सारे प्रोसेस को गिव अप करके सरेंडर हो जाऊं, तो कृष्णा बोल रहे हैं ये सारी चिंताएं जो है वो सब यूजलेस है, तो इससे इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट सरेंडर अहम त्वां सर्व पापेभ्यो। तो ये पूरा समरी है। जैसे ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा में ब्रह्मन कंसेप्शन बताया, फिर ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति परमात्मा वाला कंसेप्ट बताया, और ये मन मना भव मक्तो और सर्वधर्मान परित्याज में भगवान वाला कंसेप्ट बताया। तो इस तरह से ये दो श्लोक जो है वो एक चाबी है जिससे हम वो ज्वेल बॉक्स को खोल सकते हैं और भक्ति ज्वेल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किसी का कोई प्रश्न है फिर 67 से हम आगे देखेंगे कि कृष्णा अभी ग्लोरीज बताएंगे भगवद गीता की, यू नो आई थिंक इसको फॉलो करके क्या है, और फिर अर्जुन अपने रियलाइजेशंस बोलेंगे और फिर भगवद गीता संजय कंक्लूड करते हैं लास्ट में। तो एनी क्वेश्चंस सकते हैं। कोई प्रश्न कोई डाउट? यस केवल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, अभी आपने बोला कि लॉर्ड को सरेंडर कर देते हैं तो अपने सारे पाप का वो संभाल लेते हैं। प्रोवाइडेड आप फिर से वो प्रभु अगर पाप वाले कार्य नहीं करो तभी। हाँ, वो पाप वाले रिपीट नहीं कर, पर पहले जो कर चुके उससे सोसाइटी में डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो गया होगा उसका कैसे प्रभु करेंगे? वो कृष्णा देख लेंगे। इसने बोला सभी धर्मों को त्याग दो, जो भी सोसाइटी में डिस्टर्बेंस तुमने किया जो भी पाप करके वो भी मैं संभाल लूंगा, और तुमने जो पाप किया वो भी मैं संभाल लूंगा, प्रोवाइडेड वो फिर से रिपीट मत करो और मेरी शरण में आओ। तो कृष्णा पूरा कर्मा को बैलेंस को जीरो जीरो कर देंगे। आप सीए कर रहे हो ना, तो अकाउंट जीरो जीरो कर देंगे, एकदम बैलेंस शीट नील हो जाएगा। नील हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉमिस है कृष्णा का, ये प्रॉमिस है ये। ठीक है अब। और ये मैं उस दिन अपना जो सैटरडे को एक्स्ट्रा भक्तियों वाला क्लास था ना, यस उसके रिलेटेड, मतलब ये भक्ति योग में अगर मेरे को उसको और थोड़ा सा इंटेंस करना है, मैं मेरे में चेंजेस अभी क्या देख रहा हूँ पिछले 10-15 दिन में, ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा ऐसा आप बोलो तो मैं आपको फिर पर्सनल में क्वेश्चन करता हूँ। पर्सनल मिलने आइए, पर्सनल मिलने आ सकते। ठीक है प्रभु, संडे को रखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, संडे को रखते। यस यस, और कोई क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न? ओके, सो मैं एंड कर दे इधर। हरे कृष्णा।